ये मेरे हजूर किबला फकरे इस्लाम का फैजान है। याद रखो लोगो, इस वक्त ये अगर मजलिस छोटी है तो छोटी सही, लेकिन वीडियो बनी है सारी दुनिया में ये बात जाने वाली है। याद रखो, जितने लोग भी आज सुन्नियत का दावा करते फिरते हैं, खुदा की कसम अगर दुनिया में इस वक्त किसी प्लेटफॉर्म से सही सुन्नियत दुनिया को सिखाई जा रही है तो वो मेरे किबले आलम का स्टेज है। जिन लोगों ने जो बगले बजानी थी वो बजा ली हैं, जो शोर करने थे कर लिए हैं, वक्त करीब आ रहा है इंशाअल्लाह मुफक्किर इस्लाम भी और उनके गुलाम भी तुम्हारा हिसाब लेने वाले हैं। हिसाब की एक झलक तुमने जुब्दतु तहकीक की शक्ल में देख ली है। अब गलियों में शोर डालने से कुछ नहीं बनने वाला, मर्द बनो। जिस तरह किताब लिखकर ललकारा था, अब किताब लिखकर किताब का जवाब किताब से दो, पता चलेगा। ये लोगों के सामने बातें जाएंगी, ये बातें सिर्फ हम आपसे नहीं कर रहे, दुनिया सारी से कर रहे हैं। मुफक्किर इस्लाम ने तहकीक पेश की है, किताब लिखी है, शुस्ता जबान में लिखी है, बेहतरीन अंदाज में लिखी है, दुश्मनों को भी अच्छे तरीके से अदब के साथ मुखातब करके लिखी है। अब मर्द के बच्चे बनो, सुन्नियत के दायरे में रहते हुए किसी वहाबियत का सहारा लिए बगैर जवाब देकर दिखाओ। वो वक्त भी दुनिया ने देखा है, वो वक्त भी आया है कि जिस वक्त हैदर कर्रार को मिंबर पर चढ़कर गालियां देने वाले भी अपने आप को सुन्नी कहलाते थे, लेकिन याद रखो जो मौला मुर्तजा का मुबगिस है उनसे बुग्ज़ रखने वाला है सुन्नी तो दूर की बात है, वो उसको ईमान वाला भी तस्लीम नहीं किया जा सकता। अगर अली को गालियां देने के बावजूद लोगों के पास मिंबर भी रहे, मस्जिदें भी रही, तो आज कोई बड़ी बात नहीं। आज तो कहीं यजीद नहीं है, आज तो किसी जगह यजीद की हुकूमत नहीं है। अगर अली को गालियां देकर भी दुनिया ने देख लिया है, आज उनका क्या बचा है सवाए लानत के। ये वक्त भी गुजर जाएगा, हुसैन करबला से गुजर गया है, लेकिन के क्यामत के बाद तक भी अगर किसी की अजमत के डंके बज रहे हैं तो हुसैन के डंके बज रहे हैं।